The internet is full of bro science fake knowledge, half-information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So welcome everyone. Namaskar. Ek phir aap logo ka hai. Ek episode of Dr. Education. I am Dr. Paramjeet, physician cardiologist दिल्ली एनसीआर यशोदा नेहरू नगर गाजीबाद फाइब्रोएडिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट यानी ब्रेस्ट में गांठ सबसे कॉमन कारण है ब्रेस्ट में गांठ का फाइब्रोएडिनोमा एक बिनाइन ट्यूमर है ट्यूमर कैंसर नहीं होता याद रखिए ट्यूमर इज नॉट अ कैंसर ट्यूमर इज अ बिनाइन ग्रोथ एक गांठ एक स्वेलिंग कैंसर जो फैल जाता है वो कैंसर है ट्यूमर बिनाइन होती है कैप्सूल में कवर्ड होती है उसके बाहर नहीं जाएगी बड़ी हो सकती है छोटी हो सकती है पर फैलेगी नहीं बेसिक सो फाइब्रो एडिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट इज अ बिनाइन ट्यूमर इट इज नॉट अ कैंसर नंबर वन क्यों होता है ये क्यों होता है किसी में क्यों होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इज विथ योर हॉर्मोन्स आपके फीमेल हॉर्मोन्स के साथ इसका लेना देना है जो लड़कियों को जो लड़कियां प्यूबर्टी के थ्रू गुजर रही हैं प्यूबर्टी और जो जो विमेन प्रेग्नेंट है वो सबसे कॉमनली इफेक्टेड होते हैं क्योंकि उस समय उनका हॉर्मोनल इंबैलेंस हॉर्मोन्स में उथल पुथल होती रहती है उथल पुथल क्या होती रहती है पुथल राइट right. सो so, ये yeah, कॉमनली होते हैं इन दो एरिया में गर्ल्स आर गोइंग थ्रू एंड आर प्रेग्नेंट सो मेनोपॉज के बाद जब हार्मोन्स नहीं रह जाते ज्यादातर तो उस केस में आपको फाइब्रोडिनोमा नहीं मिलता तो फाइब्रोडिनोम ऑब्वियसली जब हार्मोन ज्यादा निकल रहे हैं तब आते हैं जब ग्रोथ आ रही आपके तब आ रही राइट सो फाइब्रोडिनोमा मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट ट्यूमर है थर्टी की एज के नीचे विमेन में और ये बेसिकली ब्रेस्ट ग्लैंड ही है आपके ब्रेस्ट का जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसी का ग्लैंड के टिश्यू है जो टिश्यू जो सपोर्ट करते हैं ब्लड ब्रेस्ट को कनेक्टेड टिश्यू वही टिश्यू है वही टिश्यू इकट्ठे होके एक गांठ बन गई है एक ट्यूमर बन गया है जिसको हम फाइब्रोडिनोमा बोल रहे हैं सिम्ट क्या है मतलब आपको क्या मिलेगा एक लंप मिलेगा एक गांठ मिलेगी एक गांठ मिलेगी ब्रेस्ट में कहीं पर ये 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 क्या ये तो है है तो तो गांठ कुछ है यहां कुछ है वो फीमेल्स देखेगी जब सेल्फ ब्रेस्ट ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या पे मिल जाती है आपको गांठ तो फिर वो गांठ जो होती है उसका फिर टेस्ट कराना पड़ता है कई लोगों को दोनों जगह गांठ होती है दोनों ब्रेस्ट में कई और कई फीमेल्स को एक ही जगह होगी और मुंह गांठ जो होगी वो स्किन के अंदर इजीली मूवेबल होगी फर्म होगी यानी सॉफ्ट नहीं होगी फर्म होगी पेनलेस होगी ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि इस गांठ से पेन नहीं होने वाला है तो पेनलेस होगी एंड रबरी होगी ऐसा लगेगा किसी ने रबर का कुछ डाल दिया अंदर रबरी गांठ होगी और यह एक लंप स्मूद होगा वेल डिफाइंड बॉर्डर होगी ऐसा नहीं like be, shape, shape हो स्मूद याद रखिए इट वुड बी लाइक अ बॉल इट बी इट वुड बी अ स्मूद ओवल शेप राउंड शेप जैसा मर्जी बॉल होगा वेल डिफाइंड बॉर्डर होगा जो कि साइज में पूरा बड़ा या पूरा छोटा हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान बड़ा हो सकता है और इवन स्मॉल भी हो सकता है आपका डिलीवरी के बाद या फिर आपका मीनोपोज के बाद आपके एक उम्र के बाद में छोटा हो सकता है दैट इज देयर और इवन इफ फीमेल जो है वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे थे और बंद दे तब भी वो छोटी हो सकती है हॉर्मोन जिक गए घाट छोटी हॉर्मोन से रिलेटेड सिंपल टेस्ट कैसे करोगे

और अगर हमें लगता है कि गांठ बिनाइन नहीं है कैंसरस हो सकती है या कैंसर में तब्दील हो रही है तब क्या किया जाता है तब किया जाता है आपका बायोप्सी 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 का मतलब है कि अंदर जाकर देखेंगे कि उसमें क्या है उसमें चीज क्या है उसके अंदर टिश्यू सेल्स किस चीज के है ब्रेस्ट के ही है या कैंसरस सेल्स हैं एक ही प्रकार के हैं या भांति भांति भिन्न भिन्न भिन प्रकार के सेल है अगर भांति भांति और भिन्न भिन्न भिन प्रकार के सेल है और बहुत ही ज्यादा छोटे और बड़े और छोटे और बड़े सेल है मतलब वहां पे ग्रोथ हो रहा है मतलब वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा से पैदावार हो रही है और वहां कैंसर पैदा हो रहा है समझ रहे हैं आप इसीलिए जब भी ब्रेस्ट का आप सर्जरी भी कराते हैं तो उसके जो निकलते हैं इस चीज को जो फाइब्रो निकाल भी दे तो भी उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजा जाता है कि उसको काट काट के देखो कि इसमें था क्या समझ रहे हैं? सो सो चीज है है so, बायोप्सी की जाती है अगर शक होता है बायोप्सी बायोप्सी होती है डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए डिफरेंट टाइप्स होता है क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि बायोप्सी ली पर उसमें गई ही नहीं अरे उसके आर पार लेके नीचे से ट्यूचरा टिश्यू ले लिया तुमने तो ऐसा भी हो सकता है तो इसलिए देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बायोप्सी

इस तरह से की जाती है बायोप्सी डेफिनेट डायग्नोसिस के लिए जो भी फीमेल अपने टीन एज में है टीन एज नाइनटीन एटीन सेवनटीन सिक्सटीन या अर्ली ट्वेंटीज में है उनको बायोप्सी की जरूरत नहीं है अगर वो लंप है तो अपने आप चला जाता है ब्रेस्ट लंप अपने आप चला जाता है बायोप्सी का और अगर वो लंप चेंज नहीं हो रहा है साइज में तब तो बिल्कुल जरूरत टीन एज में अर्ली ट्वेंटी में आपके हारमोन के साथ वो चला जाएगा प्यूबर्टी के टाइम आ रहा है प्यूबर्टी खत्म तो वो भी खत्म ऐसा हो जाता है सिंपल है टाइम घर 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 हार्मोन निकलते हैं और, और बड़ो और बड़ो और बड़े हो जाओ और बड़े हो जाओ हाइट बड़े हो जाओ ये भी ये भी तो फीमेल्स का ग्रोथ हो रहा है जब वो खत्म हो जाता है हॉर्मोन इतना तेज तो फिर वो भी थोड़ा कम हो जाएगा बंद हो जाएगा सिंपल नहीं हुआ बंद तो नीडल बायोप्सी करी उसमें देख लिया निकला तो उसको छोड़ सकते हो वहीं पे या निकाल सकते हो आपकी मर्जी है अच्छा नहीं लग रहा मुझे इट्स नॉट गुड लुक्स नॉट लुक गुड निकाल आपके डॉक्टर उसको निकाल सकते हैं वेदर टू रिमूव इट और नॉट डिपेंडिंग अपॉन अगर वहां दर्द है कि नहीं अगर आपको कंसर्न है भैया कैंसर ना हो जाए है भगवान मेरे को नहीं मेरे को नहीं, नहीं निकालो तो वो भी निकाल सकते हैं अगर वो बड़ा होते जा रहा है तब भी निकाल सकते हैं अगर मेमोग्राफी या फिजिकल एग्जामिनेशन या अल्ट्रासाउंड में हमें लग रहा है कि वो चेंज हो रहा है ग्रो हो रहा है तब निकाल सकते हैं सम ज्यादा बड़ा हो रहा है तो निकाल सकते हैं और सिर्फ ऑपरेशन करके निकालना ही सोल्यूशन नहीं है देर आर टू मोर थिंग्स विच यू कैन डू दो ही और ट्रीटमेंट अवेलेबल है एक है क्रायो एबलेजन क्रायो एबलेजन मतलब बर्फ में जमा के डिस्ट्रॉय कर देना फ्रीज इट बर्फ सर फ्रीज इसमें क्या करते हैं आपके स्किन के थ्रू एक नीडल के जैसा प्रोब डालते हैं अल्ट्रासाउंड के गाइड करके सीधा लंब के अंदर उसके अंदर एक गैस डाली जाती है जो उसको सीधा के सीधा फ्रीज करके लंब डिस्ट्रॉय कर देती है दिस इज क्रायो एबलेन बिल्कुल जोरदार चीज है उसके बारे में अगर आपको करना है तो अपने सर्जन से बात करनी पड़ेगी उसके बाद दूसरी चीज है रेडियो फ्रीक्वेंसी एबलेन इसमें क्या करता है हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी रेडिएशन डायरेक्ट उस लंब पे मारी जाती है उससे क्या होता है मतलब ऐसे गोली नहीं है वो दूसरा रेडिएशन टाइप से है बट वो जाके फोकस करती है एनर्जी बीम ऑन द लंब और ये एक हीट वेव होती है हीट वेव से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है विदाउट अफेक्टिंग दी नियर बाय टिश्यू वही तो पॉइंट है ना विदाउट अफेक्टिंग द नियर बाई टिश्यू क्रायो एबलेन से ठंडा करके मार दो रेडियो फ्रीक्वेंसी गर्म करके मार दो सिंपल या फिर पूरा ही पूरा निकाल दो या वैसे ही रहने दो और कुछ है नहीं अगर आप उसको वैसे ही रहने दोगे उसको देखते रहोगे हर महीने हर दो महीने हर तीन महीने में तो कोई दिक्कत नहीं अगर वो बड़ा हो रहा है तो बाद में निकाल दो इट्स वेरी सिंपल वेरी 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 रेयरली वेरी रेयरली कैंसरस हो सकती है वेरी रेयरली फाइब्रोएडिनोमा आपका लंप जो है वो कैंसर हो सकता है सो so यस yes, उसमें होगा तो फिर वो कैंसर का ट्रीटमेंट होगा वो फिर ब्रेस्ट कैंसर का वीडियो देखना पड़ेगा आपको सो दिस इज द नॉलेज विच यू नीड अबाउट फाइब्रो एडिनोमा नथिंग एल्स अगर कोई स्पेशल चीजें आ रही है निपल डिस्चार्ज है पेन ज्यादा है रिंकल्ड स्किन आ रही है पकरिंग आ रही है ब्रेस्ट लंप आ रहा है उसमें से ब्लड निकल रहा है निपल से कुछ भी तो फिर आपको कैंसर होने के चांसेस है हॉस्पिटल जाके डॉक्टर से चेकअप कराइए मेमोग्राफी कराइए पेट स्कैन कराइए कराई दैट्स ऑल फॉर टुडे प्लीज शेयर द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्लीज लेट एवरीबडी वॉच द वीडियो थैंक यू सो मच गाइस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी एंड है थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड स्टे